सार बोले और ट्रेनिंग्स देते हैं लेडीज को। अगर कहीं और भी है कोई टीचर है, जब जो कोई टीचर है जूट बैग सिखाना चाह रहे वहाँ पे 20 मेंबर्स सीखना चाह रहे तो सर वहाँ पे अलाउ करते हैं, आपको सेंटर बना देते उधर, आप और लोग आके सीख सकते, लेकिन टीचर रहना बहुत जरूरी है। हैदराबाद जेएसएस में अभी इंस्टीट्यूशन तो हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन बन गई, ओल्ड सिटी में हमारा एक ब्रांच सरकार रखना चाह रहे, वो बोर्ड के सामने मैं रखता हूँ, तो बोले तो नेक्स्ट प्रोग्राम भी नेक्स्ट बैचेस भी देना बोले तो पूरा एक बैच में ऐसा वाला दूसरा बैच में नहीं रहना, एक ही बैच में एक ही बार सीख लेते ऐसा। और एक ये हमारा हरेक जो प्रोग्राम्स होने दो एक्टिविटीज होने दो ये पूरा हमारा बोर्ड में रहते, बोर्ड का चेयरमैन डिप्टी डायरेक्टर अडल्ट एजुकेशन नागलक्ष्मी मैडम बोलते हैं और वाइस चेयरमैन मोक्षा मेरी है, ऐसा पूरा 12 लोग हमारा बोर्ड मेंबर रहता, वो मेंबर के सामने रखने के बाद ही हम ये प्रोग्राम्स पूरा शुरू करके गरीब लोगों को हम ये ट्रेनिंग दे रहे हैं। हम ये इत्तला देते हुए खुशी महसूस कर रहे हैं, खास तौर पे रियासत नगर मोइनबाग यहाँ के अतराफ और अकनाफ के जो करीबी बच्चे या बच्चियां हैं, ऐसे कोर्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के कोर्सेस यहां पर करवाए जा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जो आपको स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट्स के सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, वो ट्रेनिंग लिए के बाद में यहां पे गवर्नमेंट्स के ऑफिसर्स मैडम्स वगैरह है जो आप लोगों को प्लेसमेंट्स भी देंगे या कुछ इंडस्ट्री लेवल्स के ऊपर क्या बिना आप लोगों को जॉब भी देंगे, यानी तो गवर्नमेंट्स के कुछ फंड्स वगैरह रहेंगे या टेलरिंग के मशीन्स वगैरह रहेंगे वो चीज भी आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, ताकि जो एम्प्लॉयमेंट है उसको क्या है डेवलपमेंट्स करें और जो बेरोजगारी जो ज्यादा से ज्यादा हो रही है, जो खास तौर पे एजुकेशन जिसके पास स्किल्स नहीं है किसी के पास ट्रेनिंग नहीं है तो वो उन्हों अपने पैरों पे ठहरना और उन्हों कुछ अर्निंग हासिल करना बल्कि गवर्नमेंट्स के सेंट्रल गवर्नमेंट्स के स्टेट गवर्नमेंट्स के प्रोग्राम्स है और खास तौर पे यहाँ पे ABBR इंस्टीट्यूशन रियासत नगर मोइनबाग में है, जो आप यहाँ के लोगों के लिए हम इत्तला देते हैं कि अपना वक्त को इम्पोर्टेंसी दीजिए, जो ये वक्त में अब स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट्स के जो स्कीम है जो गवर्नमेंट्स के जो प्रोजेक्ट्स है वो प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट हम लोग कर रहे हैं, मगर यहाँ के लोग अगर फायदा नहीं उठा रहे तो नुकसान आप लोगों का है, तो आपको एक स्टेट गवर्नमेंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट्स के सर्टिफिकेट्स मिल रहे हैं, फिर उसके बाद में आपको और कुछ बेनिफिट्स होना है वो बेनिफिट्स मिल सकते हैं, तो आप इस इंस्टीट्यूशन से ज्वाइन होकर आप क्या अपने आप को बेकार मत बनाइए, अपने आप को बेरोजगार मत बनाइए, अब आप अपने आप को कुछ अर्निंग हासिल नहीं करते बल्कि वो मत बनाइए, आप हर कुछ कर सकते हैं, करने बैठे तो एक कदम आप आगे चल के देखो ABBR इंस्टीट्यूशन आपके लिए 10 कदम आगे बढ़ के आपके इसलाह के फायदे के जो स्कीमात है जो गवर्नमेंट्स के स्कीमात है जो यहाँ पर हम अप्रूवल करा के गवर्नमेंट ऑफिसर्स वगैरह यहाँ पर मैडम भी यहाँ पर इंटरव्यू दिए, तो हमारा मकसद यही है कि क्या है यहाँ के अवाम यहाँ के ह्यूमैनिटी के लिए करने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आप लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, ये मैसेज जिस तक पहुंच रहा है उनको मैं एक रिक्वेस्ट और अपील कर रहा हूँ कि क्या है ना फौरी आप ABBR इंस्टीट्यूशन रियासत नगर मोइनबाग और इस पे इंशाल्लाह ताला नीचे कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया जाएगा, तो ये कॉन्टेक्ट नंबर पे आप रब पैदा कर दे के अपने आप को लोहा मनवाइए, ताकि आप अपने आप को बेरोजगार मत रहिए, रोजगार से लगे हुए रहिए, आपके पास अगर फंड रहेगा आपके पास टेक्निकल्स रहेंगे आपके पास कुछ स्किल्स रहेंगे तो आप क्या है ना भूखे नहीं मर सकते, आप कुछ ना कुछ कमा के आगे बढ़ सकते हैं, अपने फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं, अपने घर को सपोर्ट कर सकते हैं, अपने महल्ले को सपोर्ट कर सकते हैं, अपनी कंट्री को सपोर्ट कर सकते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि साहब बोले जैसा आप उसका फायदा उठाइए, सेंटर चला रहे हैं तो लोग मेटेरियल भी देने वाले हैं, अभी देखिए आप जैसा आप उसका फायदा उठाइए, मैडम पूरे गन्ना मेला पकड़ते मशीन आप होते स्कूल जब भी मैं कुछ बच्चों को भाई अभी कुछ आप ना पूछना है तो माने सर से सर, कुछ नहीं कर सकते कुछ रास्ता बता सकते आप बस बस वो तो नहीं दिला सकते सर, जैसा बोले खास करके क्लीनिनेस के बारे में आज बात करने आया हूँ, वो एक ध्यान में रखो आप, आपको जर्म्स हाथ पे रहे कहीं भी रहे तो वो बुला के नहीं बोलते यहाँ बैठा नहीं बोलते,
यस करो, यहाँ क्लीनेस नहीं है, इधर कुछ जर्म्स होंगे तो ये हानिकारक होंगे, बल्कि आप समझ के क्लीन रहने का कोशिश करो। आपके तरफ से आपके घर वाले भी सीख लेते, बच्चे सीख लेते, बड़े लोग भी सीख लेते, सो मेंटेन होता है, क्लीनेस है तो मेन कोरोना प्रॉब्लम नहीं आता। कोरोना कैसा आ रहा, हवा में नहीं आ रहा, हाथ का हाथ रखे, मुँह से मुँह रखे, हाथ से मुँह लगता है, उसके बाद ऐसा अपन हाथ मिलाए, कुछ करे, कुछ ही है, उसके बाद आ रहा उठता एक और एक, जिस करके आप समझ जाओ कि जम्स के वजह से कैसा फैला। क्लीनिंगनेस रहा तो वैसा नहीं होता, जैसे सैनिटाइजेशन कर रहे अपन, उसके वजह से जम्स की लग, अपन भी साफ सफाई करे तो कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं आते, डिजीज नहीं आते। वो अपने अच्छे के लिए बोले ये सच्चा पकड़ा प्रोग्राम में आपको हिस्सा लेंगे, इसमें साफ सफाई के बारे में है और टॉयलेट के बारे में है, सैनिटेशन के बारे में है, ये कोरोना से केयर कैसा रहना है इसके बारे में तेला है। और हमारे ऑफिस से रब पैदा करिए और जो भी वोकेशनल ट्रेनिंग सीखना चाह रहे हैं उनको बराबर हमारे पास से फ्री ट्रेनिंग रहेगी आप।